देखो भाई, अगर आपको पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो मार्केट में आपको काफी सारी फेक एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेकर 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो किसी प्रकार के बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली और इंस्टेंट आपका लोन यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। और जो एप्लीकेशन है एक RBI से अप्रूव एप्लीकेशन है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज के सीडियो में आपको पूरे 80,000 रुपए का जो लोन है तो लाइव प्रूफ ही आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो लोन अप्रूवल हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 1.5 लाख रुपए का मेरा लोन अप्रूवल हुआ है। तो लोन अप्रूवल जो मुझे यहाँ पे बैंक खाते में ट्रांसफर करना है ना, तो 80,000 रुपए का मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। 80,000 रुपए का कितने मुझे यहाँ पे चार्ज लगने वाला है, अगर आपको भी पैसों की यहाँ पे नीड है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन पे मैं आपको जो लोन है लाइव प्रूफ आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 80,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 5,000 से लेके पूरे 1.5 लाख रुपए की मुझे यहाँ पे लिमिट मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपको जितना भी लोन यहाँ पे चाहिए उतना लोन अमाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 80,000 रुपए को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कन्फर्म का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे आपको आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा 3 मंथ का, 3 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 9 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 12 मंथ के लिए भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखो आपको जितने भी लोन अमाउंट के यहाँ पे जुड़ते हैं उतना लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे, जब भी आपकी रिपेमेंट डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी ना, तो 5 तारीख की, तो यहाँ पे 5 तारीख की आपकी रिपेमेंट डेट यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से जो भी आपकी EMI बनेगी वो यहाँ पे कट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 100 रुपए की आपको देनी पड़ेगी। आपके बैंक खाते में कितने आएंगे, 80,732 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे कन्फर्म। तो यहाँ पे आपको नीचे करना है, सिर्फ कन्फर्म करना है और ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपको लोन मिलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं और कितने आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितना आपके ऊपर चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। क्योंकि भाई कभी भी हम यहाँ पे लोन अगर अप्लाई करना है ना, तो हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन की यहाँ पे चार्ज कितना है, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी है और लेट फीस हमारे यहाँ पे कितनी लगने वाली है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके चार्ज बता दूँ कि चार्ज आपको यहाँ पे कितने लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसकी प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं यहाँ पे। भाई जब भी लोन अप्लाई करना है ना, तो हमारे को यही चेक करना पड़ता है कि इसकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी है, कितना इंटरेस्ट हमें यहाँ पे लग रहा है। अब जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 3.5% विद मिनिमम फ्री इन द इनर 1500 प्लस GST आपकी लगने वाली है। प्रोसेसिंग फीस आपको पता चल गई, नीचे आपको बाउंस चार्ज यहाँ पे मिलेगा। देखो अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया और आपकी EMI टाइम पे नहीं जाएगी ना, आपको यहाँ पे बाउंस चार्ज यहाँ पे लग सकता है। अब जब आपको बाउंस चार्ज यहाँ पे लगेगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 350 रुपये का आपको बाउंस चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिलता है तो आपको उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। अगर आप रिपेमेंट टाइम से नहीं करेंगे आपको 350 रुपये का बाउंस चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 4 किलो चार्ज, तो आपको जो 4 किलो चार्ज लगेगा ना वो कितना लगेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर आप इस लोन को पूरा क्लोज करते हैं ना, पूरा क्लोज करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे 5% का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसके बाद आपको एडिशनल पर्सनल इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भी यहाँ पे लगेगा। तो 3% PM ऑफ द ओवरड्यू EMI, 36% अगर आप इसे ओवरड्यू करते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको 36% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ओवरड्यू EMI प्री रेटेड द यहाँ पे इन द नंबर ऑफ द डे ऑफ ओवरड्यू, तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे ये EMI का अमाउंट डिले होता रहेगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपको पता चल गया कि कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है, कितना आपको बाउंस चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से प्ले स्टोर पर आके एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे आ गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं लोन अप्लाई करते टाइम वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं। जिनको लोन अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं मालूम होता उनका लोन भी यहाँ पे डिक्लेन हो जाता है। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके भी यहाँ पे, तो जैसे आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे सबसे पहले आपको अपनी EMAIL ID यहाँ पे डाल देनी है। जो भी आपकी EMAIL ID है आपको EMAIL ID यहाँ पे डाल देना है। EMAIL ID डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको फोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। जो भी नंबर से आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी नंबर आपके यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको ये चेक पे क्लिक करना है और आपको एग्री टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट, तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लोन का, तो लोन का सेक्शन मिलेगा यहाँ पे क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट स्कोर को चेक करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। हेल्थ क्रेडिट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे आएंगे इंश्योरेंस
का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक्सपेंस ट्रैकर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लर्न बिजनेस का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको जो लोन सेक्शन वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको लोन सेक्शन वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या, आपको लोन सेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरह, आपको यस अप्लाई वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यस अप्लाई वाले ऑप्शन आपको टच कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे अपना जो आपको अप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं, यहाँ पे देना आपको एक पैन नंबर, एक आपको देना है यहाँ पे आधार कार्ड। उसके बाद आपको करना क्या, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करना क्या, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद आप पूरी डिटेल यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ को आपको सिलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन आपको जो लोन अमाउंट चाहिए कितना चाहिए, अगर आप सैलरी पर्सन हो सैलरी को क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक करेंगे, मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी भी जितना भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जितना भी एड्रेस है सारा यहाँ पे फिल कर दिया, आपको भी अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, प्रोसीड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, जितनी भी डिटेल है आपकी सारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, नीचे आपको पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, नीचे आपको यहाँ पे कंटिन्यू ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जितना एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जितना एड्रेस था वो यहाँ पे फिल कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर यहाँ पे डाल देना, पैन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना, कॉन्टैक्ट ईमेल आपको यहाँ पे डाल देना, नीचे आना आपको गेट ऑफर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑफर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना, जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आपका जो भी ऑफर होगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना, लाइव प्रूफ में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कितने का आपको लोन का ऑफर यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक फाइनेंशियल, आपको थोड़ा सा एक से दो सेकंड का पे वेट करना है और इंस्टेंट आपको लोन का ऑफर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मुझे पूरे 80,000 रुपए का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था आपको जितना भी अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 80,000 रुपए का मुझे यहाँ पे लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका। जो मुझे 80,000 रुपए के लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिला ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके बैंक खाते में कितने आएंगे, कितनी आपको रिपेमेंट करनी है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे दोबारा से आप देख सकते हैं 80,000 रुपए का आपके यहाँ पे लोन है, जितना भी आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। 5,000 से लेकर पूरे 1.5 लाख रुपए का आप लोन अपने बैंक खाते में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और 3 मंथ से लेके पूरे 6 मंथ का, 6 से लेके 9 मंथ का, 9 से लेके 12 मंथ का आपको ईएमआई का टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। तो हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई आपके बैंक खाते से कट जाएगी। अगर आपकी ईएमआई आपके बैंक खाते पे नहीं होगी आपको 350 रुपए का बाउंस चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे आपको लोन जब भी अप्लाई करना है जब आप इसके यहाँ पे रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको मैंने पहले से यहाँ पे बता दिया आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगा और आपको बाउंस चार्ज भी यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने आपके बैंक खाते में आएंगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सिर्फ आपको इसको कन्फर्म करना। जैसे आप इसको यहाँ पे कंफर्म गए, यहाँ पे कंफर्म करते सर आपके यहाँ पे तुरंत ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है वो भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन के थोड़े से चार्ज यहाँ पे बता दूँ और एप्लीकेशन कौन इसको प्रोवाइड कर रहा है, एनबीएफसी कौन है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं, 4.2 की इसकी रेटिंग है और जिसके डाउनलोड यहाँ पे 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है, तो अच्छी रेटिंग है। सबसे पहले आपको उसके अबाउट सेक्शन पे आ जाना है। अबाउट सेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले आपको उसको चेक करना है इसको प्रोवाइड कौन यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो प्रोवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द परफर एट द लोन इन द फाइनेंशियल लेंडिंग पार्टनर इज द हीरो फिनक्रॉप लिमिटेड इन एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे काफी इसके यहाँ पे 2 से 3 इसके लेंडर पार्टनर है। तो यहाँ पे लिखा है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, सैलरी पर्सन है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। नीचे आ जाना आपको सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करना है, 3 स्टेप को जैसे आप फॉलो करोगे इंस्टेंट आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा 25,000 से लेके पूरे 3 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। आपको टेनवर मिलेगा 6 मंथ से लेके पूरे 36 मंथ का। इंटरेस्ट रेट आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% से लेके 36% पर एनएम के हिसाब से आपको यहाँ पे लगने वाला है, तो वो भी आप अच्छे से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस आपकी भी लगेगी 3% से लेके 5%, वो डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपको प्रोसेसिंग फीस भी पे देनी पड़ेगी, साथ में इंटरेस्ट आपको 18 से लेकर 36% के यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे दिखाई गई है 2,000 रुपए, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 24,000 रुपए। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपए ब्रो द इंटरेस्ट रेट 24% का लेगा पर एनएम 12 मंथ के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सारा कोई इंक्लूड बैलेंस मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है ईमेल सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ईमेल सपोर्ट से भी आप इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे कब आई थी यहाँ पे देख सकते हैं 18 फरवरी 2020 को आई थी, अभी 24 चल रहा है, 3 साल एप्लीकेशन के यहाँ पे हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।